ये है वॉक्सवैगन की टाइगन। इसमें कई सारे वेरिएंट आते हैं। ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है, यानी कि ये इसका 1.5 जीटी लाइन वेरिएंट है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है, इसका क्विक वॉक अराउंड करते हैं। ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, आइए पास से दिखाता हूँ। सेंटर में वॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है जो कि 3D में है। यहाँ पर ये देखो जीटी का बैज मिल जाता है और फ्रंट जो ग्रिल है कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। फ्रंट का बोनट जो है ये देखिए कुछ इस तरीके के एजेस मिल जाते हैं जो कि इसके लुक को स्पोर्टी बना रहे हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये देखिए प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है और यहाँ पर ये नीचे की तरफ DRLs मिल जाते हैं। फॉग लैम्प हैलोजन बल्ब में दिया गया है एंड यहाँ पर ये देखिए स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। रेडिएटर ग्रिल का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है। फ्रंट स्किड प्लेट बम्पर ये देखिए, फ्रंट विंडशील्ड पर यहाँ पर ये वाइपर एंड इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील ऑफर किए हैं। ये देखो बात कर लेते हैं टायर की, सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के TVS टायर ऑफर किए गए हैं एंड टायर साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 205/55R17। फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये देखो GT में रेड कैलिपर्स मिलते हैं जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा स्पोर्टी बना रहे हैं। सेंटर में वॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है। ये देखिए फ्रंट सस्पेंशन, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में GT का बैज मिलता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORB मिलता है विद साइड टर्न इंडिकेटर। डोर हैंडल ये देखो कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है वो ड्राइवर साइड भी एंड यहाँ पर ये स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। यहाँ पर क्रोम का यूज़ किया गया है। रूफ रेल्स देखिएगा सिल्वर एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। इसमें सनरूफ भी ऑफर की गई है। वी पिलर इसमें ब्लैक कलर में दिया गया है। डोर क्लैडिंग देखिए, रियर में भी वही सेम टायर मिलता है एंड रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, रियर में डिस्क नहीं है। यहाँ पर ये देखो शार्क फिन एंटीना, ये देखो स्पॉइलर जो कि इसके लुक को स्पोर्टी बना रहा है। हाई माउंटेड यहाँ पर स्टॉप लैंप मिलती है। रियर विंडशील्ड पर डिफॉगर मिलता है, वाइपर मिलता है एंड रियर में ये देखो कनेक्टेड यहाँ पर टेल लाइट्स मिल जाती हैं। सेंटर में वॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर ये देखिए टाइगन की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। GT राइट साइड में यहाँ पर प्लेस किया गया है। रियर में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ये देखो रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं एंड स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है जो कि कनेक्टेड है। यहाँ पर ये देखो रियर में एक कैमरा दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। राइट साइड में फ्यूल लेट को दिया गया है। इस कार में 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। DRL में आपको दिखाता हूँ जो कि ऊपर की तरफ मिलती है। ये देखो ड्राइवर साइड में कीलेस एंट्री मिलती है। इंटीरियर दिखाता हूँ जो कि डोल टोन में दिया गया है। ये देखो डोर लॉक्स, यहाँ पर बटन मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ग्रेब हैंडल, यहाँ पर ये देखो RPM कंट्रोल मिल जाता है एंड यहाँ पर ये विंडोज़ कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर ये देखो बोतल होल्डर और कुछ इतना स्पेस इसमें मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर एक स्पीकर दिया गया है। ड्राइवर सीट की अगर बात की जाए तो इसमें ये हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है एंड आगे पीछे कर सकते हैं। सीट की क्वालिटी की अगर बात की जाए काफ़ी सही लग रही है। ये देखो इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ इसका कुछ इस तरीके का है। ये देखिए ड्राइवर साइड से यहाँ पर राइट साइड में एक AC वेंट मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर ये देखो लाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पर दो पैडल्स दिए गए हैं फ्रंट बोनट ओपन करने के लिए। डैशबोर्ड का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है। स्टीयरिंग व्हील का पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का है, ये देखो काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर ये सॉफ्ट टच दिया गया है। सेंटर में वॉक्सवैगन की ब्रांडिंग मिल जाती है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्रूज कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं। राइट साइड में यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये लाइट कंट्रोल मिल जाता है एंड राइट साइड में यहाँ पर ये देखो वाइपर कंट्रोल लीवर मिलता है एंड इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए इसकी जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। सेंटर में वॉक्सवैगन का लोगो आता है एंड ये जो है GT लाइन वेरियंट है तो इसमें ये देखो एम्बिएंट लाइट मिल जाती है जो कि रेड कलर में इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बना रही है। सेंटर में बड़ा सा यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। ये देखिए एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले इसमें दिया गया है। टच की अगर बात की जाए तो इसका मुझे टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्मूथ है। ये देखो इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये देखो
सेंटर में एक बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। यहाँ पर दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर ये देखो एसी कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिक में ये गाड़ी है, मैनुअल में भी आती है। यहाँ पर ये चार्जिंग पैड मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग। दो यहाँ पर यूएसबी सी पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। ये देखो इसका हैंड ब्रेक, कुछ इतना स्पेस इधर मिल जाता है। टू कप होल्डर्स इधर मिल जाते हैं। इसका जो आर्म रेस्ट है वो एडजस्टेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखो काफ़ी ठीक ठाक स्पेस इसमें मिल जाता है। ग्लव बॉक्स देख लेते हैं, इसमें भी काफ़ी ठीक ठाक स्पेस दिया गया है। और आई थिंक ये कूल ग्लव बॉक्स है। ये देखो यहाँ पर ये देखो ग्रैब हैंडल मिल जाता है। एंड ये सनरूफ इसमें दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इधर सनवाइजर दिया गया है। एंड ये देखो वैनिटी मिरर मिल जाता है। दो यहाँ पर लाइट्स मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अरे भाई बंद हो गया, अरे भाई। ये देखो ड्राइवर साइड, यहाँ पर टिकट होल्डर मिलता है लेकिन कोई भी मिरर नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल, आइए बात कर लेते हैं इसमें स्पेस की। ये देखो नी रूम इसमें काफ़ी ठीक ठाक दिया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हेडरूम की अगर बात की जाए तो ये देखो इसमें काफ़ी ठीक ठाक हेडरूम मिल जाता है। एंड इसमें स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। इसकी सीट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लग रही हैं। तो भाई मैंने आपको इसका फर्स्ट इंटीरियर दिखा दिया है, फर्स्ट रो दिखा दी है। आइए बाहर निकलते हैं, चलते हैं इसकी सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है और कितना कंफर्ट मिलता है। चलो भाई चलते हैं इसकी सेकंड रो में। ये देखो बिल्कुल बेसिक सा इंटीरियर है। सीट की अगर बात की जाए तो कंफर्टेबल लग रही है मुझे, और डुअल टोन में है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी भी लग रही हैं। यहाँ पर ये आर्मरेस्ट भी दिया गया है। टू कप होल्डर्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखो नीचे की तरफ दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, उसके नीचे दो यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना भूल गया, 12 वोल्ट का यहाँ पर ये सॉकेट मिलता है लेकिन इसमें कोई भी यूएसबी ए पोर्ट नहीं मिलता है। ये देखो दो लाइट्स इधर मिल जाती हैं, और इसमें 3 हेडरेस्ट मिलते हैं रियर में, काफ़ी अच्छी बात है। और ये देखो पार्सल ट्रे, ठीक ठाक स्पेस इसमें मिल जाता है। रियर से इसका इंटीरियर जो है कुछ इस तरीके का लगता है। इसकी टेल लाइट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। आइए अब मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ। यहाँ से ये ओपन हो जाता है और काफ़ी ज़बरदस्त इसमें स्पेस जो है मिलता है। ये देखो है ना काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस। चलो भाई बंद करते हैं इसको। इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, ये 1 लीटर में भी आती है, 1.5 लीटर में भी आती है, और ये कार जो है केवल और केवल पेट्रोल में आती है। इसकी एक्सोरूम स्टार्टिंग हो जाती है 11,62,000 से। और जो मैंने आपको अभी कार दिखाई है इसका भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। लगभग इसकी एक्सोरूम है 18 लाख प्लस है, और ये कार ऑन रोड लगभग 2022 के आसपास मिलेगी।